इज हाउ आर यू ऑल डोइंग गुड आफ्टर एंड आई एम शूटिंग इन माई हॉस्टल रूम क्योंकि ना कोई भी नहीं है एंड आई फील ऑकवर्ड रिकॉर्डिंग इन फ्रंट ऑफ एवरी वन सो या एनीज़ ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है फॉर uh, दिस चैनल और दिस इज़ माई इकलौता चैनल एंड आई वॉन्टेड टू जस्ट स्टार्ट बिकॉज मैं बहुत पहले से शुरू करना चाहती थी बट मैं शुरू नहीं कर पा रही थी बिकॉज आई वॉज लाइक प्रोकेस्ट इन रीडिंग एवरी डे एंड अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था आइडियाज़ नहीं मिल रहे थे स्क्रिप्ट कभी कुछ कभी वॉरवर बट एनी वेज नाउ आई हैव स्टार्टेड कल ही मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो पोस्ट किया है एंड दिस माई फर्स्ट वीडियो और आई एम वेरी एक्साइटेड लाइक एनी वेज Uh, ये चैनल मैं इसलिए क्रिएट करना चाहती थी बिकॉज़ uh, मैं जब फर्स्ट ईयर में आई थी आई एम ए बीपीटी स्टूडेंट फिजियोथेरेपी मैं कर रही हूँ एंड नाउ आई एम इन थर्ड ईयर और या uh, yeah, फर्स्ट ईयर में जब मैं आई थी आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड कि यूट्यूब में नीट के लिए एमबीबीएस के लिए हर चीज़ के लिए बहुत सारे वीडियोज़ थे बट uh, फिजियोथेरेपी के लिए कुछ भी वीडियोज़ नहीं थे और थे वे बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे ना ही जैसे कि नीट के लिए एलन है आकाश है सब कुछ लाइक सो मेनी वेबसाइट सो मैनी ट्यूटर्स फिजियोथेरेपी के लिए वैसा कुछ भी नहीं था सो so, बट अभी वैसा हो चुका है अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स रील्स ऐसे बन रहे हैं जो कि फिजियोथेरेपी के बारे में प्रमोट कर रहे हैं बट देर इज़ स्टिल आई थिंक देर इज़ अ लैकिंग कि जैसे हम लोग नीट के लिए चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ाई करते हैं एंड क्लिनिकल पोस्टिंग्स करते हैं विच इज़ मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कोई भी यूट्यूब में या फिर रील्स में नहीं वो सोर्स मुझे नहीं मिल पाता तो मैं ये सोच रही थी इसमें इस, इस चैनल में मैं ये सब कुछ इंट्रोड्यूस करूँ ये सब कुछ लाओ और सबको बताओ कि इट्स नॉट जस्ट लाइक स्टडीज़ बेसिस पे बट आल्सो एज अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट के बेसिस पे कि हाउ अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स गोज़ थ्रू ऑल द कॉलेज स्टफ यूनिवर्सिटी स्टफ एंड व्हाट नॉट क्योंकि ना मैंने मोस्टली जितना भी देखा है यूट्यूब पे बहुत ही कम देखा है या फिर कोरा पे गूगल पे एवरीवेयर लाइक बहुत ही लाइक like, ग्लिप्स इट्स नॉट लाइक डिटेल्स या फिर लाइक यू आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग थिंग्स ऐसा कुछ नहीं है सो आई जस्ट वॉन्टेड टू डू इट और फ्यूचर थेरेपी के बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता था जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी आई जस्ट डिड नॉट नो एनी थिंग मेरी मम्मी को पता था उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया एंड आई डिड इट बट जब मैं फर्स्ट ईयर में आई मुझे लिटरली मुझे एज बिकॉज कुछ नहीं पता था तो मेरे अंदर बहुत क्यूरियसिटी था जानने के लिए कि हाउ इट इज़ डन एंड वॉट इट रियली इज़ जो कि मुझे बिल्कुल से भी नहीं पता उसका स्कोप क्या है उसका फ्यूचर क्या है क्या हो सकता है क्या नहीं एंड एवरी लाइक आई डेंट नो एनी अबाउट दैट तो वही सब चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि मेरी ही तरह फर्स्ट ईयर में दे जस्ट नो नथिंग अबाउट फिजियोथेरेपी एंड यू आर जस्ट जंपिंग इन टू इट सो या और हाँ आज से मैं एक और प्रोग्राम स्टार्ट कर रही हूँ प्रोग्राम तो नहीं बोलूँगी बट इट्स लाइक काइंड ऑफ चैलेंज 90 डेज चैलेंज मैंने अदिति दाहिया जो कि एक यूट्यूबर हैं उनका वीडियो मैंने परसों देखा था जिसमें कि उनका टाइटल था 90 डेज चैलेंज फॉर बिकमिंग अ न्यू सेल्फ और वो चैलेंज मैं ली हूँ ओके लेट मी अग्री विथ दिस मैं कभी भी कोई भी चैलेंज नहीं कर पाती अभी देखो अभी मैं डे वन आज सपोजिटली हुआ डे वन मैंने किया एंड मतलब एंड ऑफ दी डे तक मैं एकदम डीमोटिवेटेड हो जाती हूँ एंड आई एम जस्ट लाइक मुझे नहीं लगता होप आएगा लाइक माय कंसिस्टेंसी जस्ट ब्रेक इन डे वन और टू और थ्री मे बी यस तीन दिन तक मैं भी चला पाती हूँ उसके बाद एवरीथिंग इज़ बैक टू ट्रैक तो आई थिंक दैट वो चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करके और आपको दिखा करके या फिर बता के कि हाउ इट इज़ रियली बिकॉज़ मैं जितना फेस की हूँ मुझे लगता है कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो प्रोक्रेस्टिनेशन कर रही हूँ इज़ जस्ट मी हु इज़ जस्ट फेसिंग ऑल दिस एंड स्टफ बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं ऐसा बहुत लोग मुझे यूट्यूब और रील्स में जा कर के ही मुझे पता लगा कि आई एम नॉट अलोन एंड मैं इनफैक्ट मैं ये सोचती थी मेडिकल सब्जेक्ट इज़ ऑल बिकॉज लाइक इफ़ यू आर इंटेलिजेंट इफ़ यू आर गुड एट स्टडीज देन ओनली यू आर इफ़ यू आर नॉट इफ़ यू आर आई मीन लाइक यू नो इफ यू आर लाइक अ एवरेज स्टूडेंट आप फेल कर रहे हो देन मेडिकल इज़ नॉट फी यू यू कैन डू आर्ट्स और समथिंग दैट्स वॉट वी हैव बीन फेड सिंस आर चाइल्ड मेरे लिए तो वही वह है तो तब से हम हम लोग का यही सब ही सभी इतना माइंड है कि यार फेल हो रहे हैं इतना अच्छा मार्क्स नहीं है देन मेडिकल इज़ नॉट फॉर यू और uh, अगर मेडिकल आपको करना भी है देन आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट में होने वाला है सो दैट्स व्हाट आई वांट टू चेंज दैट्स व्हाट दीज ऑल थिंग्स व्हेन आई टॉक टू पीपल आई अंडरस्टूड कि ये एक्चुअली झूठ है ऐसा कुछ नहीं है आजकल मतलब मैंने देखा है जितने भी एम स्टूडेंट हैं वो एवरेज पीपल थे एवरेज स्टूडेंट्स सब थे And they just grown up. They have grown up to be a very good doctor, really. So I, that really inspired me. और uh, I'm sure कि आप में से बहुत लोगों को भी वैसे left out feel करता होगा, like me. मुझे नहीं पता आप मेरी तरह struggle करते हो या नहीं consistent रहने में या फिर procrastination में मुझे नहीं पता. If you do, then please do share in comment. But uh, yeah. Uh, यही सब मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ लेफ्ट आउट फील करती हूँ एंड आई रियली वॉन्ट टू लाइक बी विद एवरी वन एल्स एंड लाइक फील लाइक एवरी वन एल्स क्योंकि ना सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी यही रहता है कि हम लेफ्ट आउट फील ना करें बिकॉज देखो यूनिक होना एक अलग बात है बट दिस मतलब लेफ्ट आउट फील करना इट्स लाइक समथिंग डिफरेंट बट विच आई डोंट रियली वॉन्ट टू फील एंड आई थिंक दैट नो बडी लाइक्स टू फील दैट वे सो या ठीक है तो नाइन्टी डेज़ चैलेंज का मैं आपको इतना डिटेल्स में नहीं जाऊँगी बिकॉज इट्स अ इंट्रोडक्शन वीडियो एंड आई जस्ट वॉन्ट टू कीप इट स्लो एंड वेरी शॉर्ट एंड अभी छः मिनट हो चुके हैं आई थिंक इट्स टेकिंग अ लॉट सो आई जस्ट टेक अ मिनट और टू एंड दैट्स इट आई विल जस्ट कंप्लीट दिस वीडियो सो नाइन्टी डेज चैलेंज में ये है कि उन वो बताती हैं तीन पॉइंट्स के जिसमें कि इंक्लूड करती है इन्वायरमेंट का एन्वायरमेंट जैसे कि फ़ॉर एग्जांपल मेरा एग्जाम्स आने वाला है आफ़्टर 15 डेज़ 15 टू 20 डेज में भी uh, जो भी हो बट नेक्स्ट मंथ है फॉर श्योर सो एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं सो फर्स्टली अगर मुझे एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है मुझे अगर हार्ड वर्क करना है दैन ऑब्वियसली मेरा इन्वायरमेंट में ऐसा कोई चीज़ होना नहीं चाहिए जो कि मेरे को uh, मतलब पढ़ाई से दूर ले कर के जाए लाइक आई नीड टू लाइक स्टिक ऑन द वॉल कि मुझे पढ़ना है कि मुझे ये गोल पाना है लाइक आई वॉन्ट टू पास दिस सेमेस्टर आई वॉन्ट टू गेट गुड ग्रेड्स और समथिंग वो सब मैं अपने अपने सामने रखूंगी फोन्स लैपटॉप्स वो सबको जितना भी है उसको गुड यूज़ में लाऊंगी ना ही मैं स्क्रॉल करती रहूँ सो दैट्स वॉट इन्वायरमेंट मीन्स एंड देन इट कम्स फॉर माइंड सेट एंड आई थिंक दैट माइंड सेट में आप मैं जैसे कि कल अपने व्लॉग्स में मैं दी थी मैं जर्नलिंग करती हूँ जर्नलिंग करना बहुत अच्छी बात है एंड आई वुड सजेस्ट एवरी वन टू डू दैट बिकॉज जर्नलिंग में होता यह है कि आप अपने माइंड में जो भी रखते हो जो भी लाइक इनफैक्ट एक्चुअली थाट्स बहुत सारे हमारे माइंड में आते हैं लेकिन जब हम लोग ऑर्गेनाइज़ करके उसको लिखते चलते हैं ना वी रियली गेट कि कौन सा चीज़ कौन सा बात हमें जो करी है वो एक्चुअली में कोई इम्पोर्टेंस का है या फिर वो इम्पोर्टेंस का है भी नहीं और अगर इम्पोर्टेंस का है तो उसका सल्यूशन क्या है बिकॉज मैं इतने सारे एक्सपीरियंसिस से मुझे इतना पता लगा कि ये सब जो भी है ना ये सब हमारे माइंड में जो भी क्वेश्चन आते हैं वी जस्ट हैव आर आंसर्स ऐसा नहीं है कि uh, हमारे पास कोई आंसर्स नहीं है हमारे पास अगर क्वेश्चन है तो हमारे पास एंसर्स भी हैं एंड दैट इज द ट्रुथ थर्ड है बिहेवियर uh, जो कि हम लोगों को uh, दिखाना है लाइक वी नीड टू लाइक कीप इट इन स्मॉलर गोल्स लाइक हम लोगों को जैसे कि बिहेवियर हुआ माइंड हुआ एनवायरमेंट हुआ ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही झटके में सब कुछ कर लेना है लाइक वन बाय वन टेक वन टास्क एट अ टाइम एंड गो फॉर द बेबी स्टेप्स एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गो थ्रू ऑल दैट एंड या सो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी बड़ी सही इज लाइक एनी वेज चलो मैं चलती हूँ बाय बाय बहुत ज़्यादा टाइम ले ली हूँ टेन मिनट्स फॉर इंट्रोडक्शन वीडियो आई नो इट्स सो मच बट आई एम सो हैप्पी कैमरा के सामने पहली बार इतना बात कर पा रही हूँ इट्स सो हैप्पी सो नाइस एनी वेज इतना टाइम नहीं लूँगी आई एम सॉरी एनी वेज एनी वेज एनी वेज ओके आई एम सुपर एक्साइटेड दास थैंक एनी वेज चो बाय बाय अ गुड डे